अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 462 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। 41,140 की सतह पे इंतहाई नेगेटिव क्लोजिंग आई है। मैं कहूँगा 77 मिलियन के वॉल्यूम्स कैसे 100 इंडेक्स में लगे हैं, या किसी ऑल शेयर में 177 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। देखिए, इस वक्त मार्केट में कुछ चीज़ें हमें समझना है। देखिए, जिस तरीके से हम आपको लेवल्स दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र लेवल्स अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है 41,700 से ऊपर मार्केट रिस्की है, तो रिस्की है क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक बुक है जो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्टॉक्स या आपकी मार्केट कैसी बिहेव कर रही है, ये मैटर करते हैं कि आप उस वक्त कैसा बिहेव कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि लेवल्स के थ्रू आपको ये बताया जाए कि किस लेवल पे आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या हिकमत अमली उस वक्त इख्तियार करनी है। ये हमारा ओवरऑल टारगेट होता है। और जैसे आपको पहले बताया गया कि भाई मार्केट बढ़ रही है, बेचकर काम करें, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही गालिबन एक दो हफ्ते पहले ही वीडियो मेरी एक आई है जिसके अंदर हाउ टू ट्रेड, ट्रेडिंग सीक्रेट्स कुछ ऐसी ही थी ट्रेडिंग के हवाले से, हाउ टू बिकम मिलियनर, तो उसके अंदर आपको ये बताया गया था जब मार्केट अपना एक लो ब्रेक कर देती है और जब भी कोई एक अपमूव आती है वो एक मोस्ट लाइकली एक सेलिंग को कंटिन्यू करेगी, तो बेहतर है कि निकल जाए। और जितना छोटा प्रॉफिट हो, आपको हम अपनी मुसलसल वीडियोज़ में बता रहे, जितना छोटा प्रॉफिट हो ऊपर पे बेच कर निकले। हमने ये देखा आज के दिन भी कि जो आइटम ने आपकी रिकवरी ली, आपका AVN हो गया, AVN आपका हाई साइड पे गया था, नीचे आया था, लेकिन कल के दिन उसमें रिकवरी आई, आज भी कुछ रिकवरी रही लेकिन फिर गिर गया। तो ये क्या है, एक रिकवरी और तेज़ी में फ़र्क। PRL हो गया, बड़े फिर गिर गए, ठीक है। आप दूसरे स्टॉक्स अपने देख ले, जैसे कि हो गया आपका TRG, 100 पता नहीं कल कितने का लोग मारते, 104 का शायद मारा था और फिर 117 के पास चला गया और आज 108 पे वापसी आ गया। तो ये रिकवरी और तेज़ी पे कई फ़र्क होते हैं। हमने मुख्तलिफ और दूसरे स्टॉक देखे, आपके सेकंड थर्ड टीयर के स्टॉक्स हुआ, रिकवरी आई लेकिन फिर सेलिंग आ गई, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि आपको बेचते नहीं है ना, जब कोई अपने एक पोर्टफोलियो में रेड सिग्नल देख लेते हैं ना, फिर वो बेचने का दिल ही नहीं चाहता उसको। इमोशंस को हटा दे ट्रेडिंग के वक्त, ठीक है ना। अब मैं नहीं कह रहा पूरा माल बेचे, क्या आप जब तक वो नहीं हो जाएंगे ना अपने आप पे सेटिस्फैक्शन, ऐसी बात है आपको कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाए, तो हम में से मेरे नज़दीक कोई नहीं है एक्सपर्ट, ठीक है ना। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कहने का कि आप पूरा नहीं तो आधा माल, आधा नहीं तो क्वार्टर माल बेच दे अपना, फिर नीचे बायबैक का मौका मिल जाएगा। आपके अंदर ये पत्थर दिल होना चाहिए, इस वक्त आपको इमोशंस के साथ नहीं खेलना। बहरहाल ये तो मैं पूरा एक लंबा ही टॉपिक बन जाएगा क्योंकि ये सिर्फ मार्केट एनालिसिस वीडियो है, लेकिन बहरहाल मकसद सिर्फ ये कहने का कि इस वक्त दिल से नहीं दिमाग के साथ काम करें अगर कमाना है। जो मैं बातें कर रहा हूँ वीडियो में उसको समझे, ठीक है ना, क्योंकि ये मैटर नहीं करता, जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, ये मैटर करते कि आप उस वक्त कैसा बिहेव कर रहे हैं और वो आपको लेवल्स बताएंगे, लेवल्स के साथ काम करें, उसकी पावर आप अभी तक नहीं जानते। मार्केट को प्रिडिक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट को आप अगर क्या कहते हैं एस्टिमेट करेंगे तो आपका फ़ायदा है, इस लेवल के बाद क्या लेवल, इस लेवल के बाद क्या, आप छोटे लेवल, आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। बहरहाल ये लंबी हो रही वीडियो, लेकिन इस वक्त अगर मैं डॉलर रेट की बात करूँ तो आज हाई साइड पे बन रहा 222.50 रुपये पे, तो डॉलर में मुसलसल इजाफा। उसकी वजह क्या, कि आपके जो स्टेट बैंक के नंबर्स आए थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, वो डिक्लाइन में, लेकिन ये कि जो ADB से आपका आया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन की एड, ये जो एड आई है आपकी, इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से नंबर्स बेहतर हो जाएंगे, साइड वाइज डिपॉजिट और होंगे तो इंशाल्लाह वन सेकेंड नंबर्स में बेहतर आएगा। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस हाई साइड पे है, $88 के पास चल रहा है, ऑल्दो भी इस वक्त करेक्शन में है 89 सेंट, लेकिन स्टिल इस वक्त हाई साइड पे ट्रेड कर रही करेंसीज में। डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो स्लाइट सी हाई साइड पे है, जहाँ इंडाइसिस को देखा जाए तो इस वक्त अभी तो मैंने आज लेट वीडियो बना रहा हूँ, बिजी हो गया था खैर आज, लेकिन ये कि इस वक्त नास्डैक 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। जहाँ आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो आज भी उसके अंदर 200 पॉइंट का गेन रहा और अब वन सेकेंड ये 60,000 के जो लेवल है इंडेक्स के, ये उसको मीट करने पर आ चुका है। मजीद अगर हम जल्दी से ये रिव्यू, मैं नहीं चाह रहा बहुत लंबी वीडियो, लेकिन चाहता हूँ कि आपका जो एक एक लम्हा आप इस वीडियो को दे रहे हैं, एक एक सेकंड दे रहे हैं, वो आपके लिए वैल्यूएबल हो, उससे आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ। तो मैं यही आप लोग का रिकमेंड करूँगा कि बगैर स्किप करें वीडियो को वॉच करें, क्योंकि ये जो आप 15-20 मिनट होते हैं ये आप अपने आप के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बेकार में डंडी नहीं मारनी चाहिए, सॉरी टू से। चले अब हम आ जाते हैं
उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो मार्केट स्टेटिस्टिक्स, आज टॉप गेनर फैसल बैंक वंस अगेन आउटस्टैंडिंग डिविडेंड के बाद। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर आज भी अपर कैप बरकरार रहा, साथ में सिस्टम्स लिमिटेड 10 पॉइंट, फिर आपका FFC 8.5 पॉइंट, बैंकल हबीब 4.25 पॉइंट। आगे देख सकते हैं BFLH का FML, मरी ब्री ब्रीम, MCBHC BPL, शिफा, फिर AKBL, FCPL, AICL और FFBL आपके मार्केट को पॉजिटिव रखते रहे। जहाँ अगर हम बात करें नेगेटिव साइड पे, तो बेसिकली एंग्रो कॉरपोरेशन आज एक्स हुआ है, इससे डिविडेंड दिया था, वंस अगेन डिप पे। ये अच्छा स्टॉक है एंग्रो कॉरपोरेशन, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन दिस मार्केट राइट नाउ। TRG वही बात, मार्केट को 71 पॉइंट नेगेटिव रखता रहा, जब PSO 37 पॉइंट, PPL 36, लकी सीमेंट 34, हपको 24, MTL 18.5, POL 15.5, OGDC 12.5, सरले 12.5 के करीब, मैपलीफ, चिराड, यूनिटी, DGKC इफर, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं कल की मार्केट के, उससे पहले अगर मैं एक आध तक आपको छोटा सा नज़र टॉप एक्टिव स्टॉक्स और अगर हम टॉप गेनर्स की तरफ डालें, तो कोई लिक्विड स्टॉक नहीं सिवाय FABL के, और हम सब जानते हैं इसका रीज़न क्या बना, लेकिन ये कि आज वॉल्यूम ज़्यादा लगे हैं। बहरहाल टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर देखा जाए तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में जितनी भी स्क्रिप्ट है सभी नेगेटिव पे क्लोज रही है सिवाय FABL, वही बात हो गई, रीज़न हम सबको पता है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के बाद। अच्छा, आज भी कई रिजल्ट्स आए, कुछ बहुत अच्छे थे और कुछ मायूस कुन रिजल्ट्स थे। खैर, कम जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड अफेक्ट्स है, ये आपकी कमोडिटी साइकिल के अफेक्ट्स है, ये आपका इन्फ्लेशन के अफेक्ट्स आ रहे हैं, ये आपका डॉलर राइज के अफेक्ट्स आ रहे हैं। बहरहाल ये तो है, लेकिन इंशाल्लाह मामला जिस तरीके से सेटल होने शुरू होंगे, क्योंकि इस वक्त हम क्या जानते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मार्केट को इस वक्त परेशानी में डाल चुका है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी मार्केट के लिए, और ये जब तक सेट नहीं होगा मार्केट में हम बेहतरी नहीं देख सकते। ठीक है, अब आज है टेक्निकल चार्ट पे, देखिए टेक्निकली मार्केट को समझते हैं। कल के दिन आपको एक अल्फाज इस्तेमाल किया गया था, एग्जॉशन फ्रॉम बियर्स, आपको ये नहीं बताया था कि बुल रिकव के ना यहाँ से बुलिश हो गई है मार्केट, ये आपको बताया था मार्केट में थोड़ी आपकी एडजस्टमेंट, थोड़ी मार्केट अपने आपको रुक रही है, स्टेबल कर रही है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, तेज़ी भी कभी स्पीड से नहीं होती। आप देखेंगे अक्सर औकात तेज़ी का वक्त एक आध रेड कैंडल के बाद फिर तेज़ी आती है, और नेगेटिविटी में एक आध पॉजिटिव कैंडल के बाद फिर नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती है। इसी को कहते हैं रिकवरी, इसी को ही कहते हैं हम लोग तेज़ी। इन अल्फाजों को समझिए, आपकी 90% ट्रेडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, एंड बिलीव मी, इनके ऊपर काम कीजिए, इनके ऊपर वर्किंग कीजिए। बहरहाल आज जो मार्केट की क्लोजिंग आई, सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए मार्केट ने तेज़ी कहाँ से की, तेज़ी की 40,418 से, कहाँ तक की मार्केट ने की, 42,600 तकरीबन 666 की तरफ। उधर से अब मार्केट ने अपना 61% का रेशो तोड़ा, 41,280 के पास बनता था, उससे नीचे आकर क्लोजिंग दी, वीकली बेसिस पे बहुत ही बुरी क्लोजिंग आई है, 140 पे आई है, और बहुत ही ये लो क्लोजिंग थी कल, पिछले वीक के हिसाब से वॉल्यूम्स में भी एक स्लाइट राइज आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या जानते हैं, थोड़ा मार्केट को समझते हैं हम, थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आई, उससे अगेंस्ट मार्केट में एक रिकवरी बनी, अब मार्केट अपनी उसी गिरावट को कंटिन्यू कर रहा है, बेसिकली आप इसको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न कह लीजिए, ये उसके साथ थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट का जो बिग लेवल्स है ना, दो लेवल से बचे हैं मार्केट के पास, पहला बिग लेवल 40,900, दूसरा बिग लेवल 40,400 से 500 का लेवल, आखिरी उम्मीद है ये लेवल 40,400 से 500 और लास्ट उम्मीद, उसके अलावा हम देखेंगे फिर मार्केट में प्रेशर वंस अगेन कंटिन्यू, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि 41,300 के टूटते ही मार्केट में 41,000 तक एक्सपोजर, चांसेस ये होंगे कि मार्केट 41,000 से भी नीचे आ जाए, ये आपको कल के दिन बताया गया था कि 41,300 टूटने पर। ठीक है ना, तो अभी क्या करना है इस वक्त, देखिए स्ट्रेटेजी ये कि जब मार्केट RSI को देखेंगे तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी, मोस्ट लाइकली ये ओवरसोल्ड पोजीशन में ही होगा, और आप ये देख सकते हैं कि वही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ही अपना वक्त गुजार रहा है RSI। लेकिन एक बात याद होगी, जो मेरी वीडियोस पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आती है तो मार्केट या RSI आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन में ही देता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन में ही गुजारता है। सिमिलरली तेज़ी जब होती है मार्केट में तो RSI अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हाई साइड पे ही गुजारता है। अब प्रीवियसली फॉल की बात कर लें, प्रीवियसली RSI आपका ओवरसोल्ड किधर से हो गया था, 41,100 से,
41,100 से भी पहल के पहले अराउंड 41,400-43,000 से मार्केट RSI आपका ओवरसोल्ड हो चुका था। मार्केट ने कहाँ था गिरावट की, मार्केट ने गिरावट की 40,400 था, उधर से भी 1,000 पॉइंट निकले सिमिलरली। तो ये जज नहीं किया जा सकता, इस वक्त तो मोमेंटम बन रहा होता है बियर्स का। इस वक्त बस कहने का मकसद ये कि मार्केट तो जिस तरीके से गिर रही उसी तरीके से रिबाउंड भी इंशाल्लाह करेगी, लेकिन वो सिर्फ एक रिकवरी तक महदूद रहेगी, ठीक है ना। तो रिकवरी जितनी गिरी जा रही है ना मार्केट, उधर वो अपने रिकवरी के पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ 100 पॉइंट गिरती है मार्केट तो 50 पॉइंट रिकवर करेगी, वो अभी करे या सब जमा हो रहे हैं 7 पॉइंट्स। जो आप लोगों को पहले भी एक वीडियो पे बताया गया था, मैं आपको वंस अगेन रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को देखने को। मैं अभी यहाँ पे आपको वो दिखा देता हूँ उसका टाइटल, ये आप मेरा चैनल देख सकते हैं। अच्छा, वीडियोस अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वीडियो मौजूद है 3 हफ्तों पहले की, ट्रेड लाइक अ प्रो मेक प्रॉफिट। ये वीडियो को मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, 1500 लोगों ने देख ली है वीडियो, मुझे यकीन है अगर पूरी देखी होगी ना जिसने उसको डेफिनेटली इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो अब मकसद सिर्फ ये कि इसके अंदर आपको एक स्ट्रेटेजी बताई गई थी टॉप डाउन के हवाले से कि अब मार्केट में हम जानते हैं कि वीकली में मार्केट थोड़ी आवरली मार्केट में नेगेटिव हो चुकी है। व्हेन शुड यू एंटर एट द बॉटम, हाउ टू एंटर एट द बॉटम, यू शुड वेट, ठीक है। कब तक वेट करें, जब तक मार्केट आपके प्रीवियस एक हाई को ना ब्रेक कर दे, प्रीवियस हाई को मार्केट जब तक ना ब्रेक कर दे। जैसे हमने देखा मार्केट ने पहले एक हाई किधर लगा, 41,700, आपको यही बताया जा रहा था अब 41,700 टूटती है तो मार्केट में रिकवरी शुरू, नहीं तोड़ती तो वही गिरावट कंटिन्यू। इसी तरीके से अब आपने काम करना है। अच्छा, अभी स्विंग लो तो मार्केट का आपका जैसे है 41,650 से किधर तक है आपका स्विंग लो, 41,100। तो अब जो आपका रेजिस्टेंस लेवल बन के निकल रहा है वो बन रहा है अराउंड वो 41,300 के अराउंड बन रहा है इंट्राडे पोजीशन के लिए, वो भी छोटी इंट्राडे होगी, आपको 100-150 से ज़्यादा पॉइंट का सोचना ही नहीं है इस वक्त। हाँ, बेहतरी कहाँ आ सकती है, 41,450-500 के ऊपर आप थोड़ी बेहतरी देखेंगे, असल बेहतरी तो अभी भी 41,700 के पास पहुँचोगे, वो उसके पास मौजूद है। जिस तरीके से हमने बस मार्केट क्लोजिंग के दरमियान में एक थोड़ी बाइंग देखी थी विथ वॉल्यूम, जैसे आखिरी के 15 मिनट में 16 मिलियन का काम है, 71 पॉइंट्स ऊपर है, तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं थोड़ा सेशन ऊपर खुलता है फिर नेगेटिविटी आ जाती है। तो एटलीस्ट बुल्स को 41,500 को सिक्योर करना है और अल्टीमेटली 41,700 को, ताकि 41,942,000 को वो टारगेट बना सके। बेहतरी तो 42,100 के ऊपर ही आएगी, अब बेहतरी जो होगी ना असल सही मायनों में वो तो 42,100 के ऊपर। उससे पहले यू शुड थिंक फॉर द शॉर्टर टर्म, स्कैल्पर्स के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे, इंट्राडे वालों के लिए अच्छा मौका है सपोर्ट लेवल में। आज एक तो आप पहला अपना सपोर्ट आज का लो मान लीजिए, दूसरा जो सपोर्ट लेवल होगा वो आपका पहला सपोर्ट आज का लो रहेगा 41,100, दूसरा सपोर्ट लेवल आपको मैं इधर मार्क भी करके दिखा देता हूँ वो 41,900, 41,700 और 41,500 का रहेगा। शॉर्ट आपको मैं वंस अगेन आखिरी बार रिपीट कर दूं, जो अप मूव्स आती है उसे भी एक रिकवरी होगी, उसके अंदर आपने छोटी एंट्री स्कैल्पिंग के लिए काम करना है और छोटे उसमें अपना प्रॉफिट को पक्का करना है। तो इसी मुख्तसर वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ, कोशिश यही करना है जो समझाया गया है उसी के साथ काम करना है। स्टॉक्स के हिसाब से भी वही सेम चीज़ें आपकी जो मार्केट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, काफ़ी हद तक वही स्टॉक्स में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। उसी मेंटेलिटी के साथ काम कीजिए, उसी साइकोलॉजी के साथ काम कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।